हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लिमिजिनेट प्रो पे। दोस्तों, आपने काफ़ी बार सुना होगा कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है हमारे बुक्स से पूछे जाते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक होती है उनमें उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, प्यूपिल एंड एनवायरनमेंट के अंदर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पीडीएफ हमारी हिंदी में पीडीएफ है और यही पीडीएफ हमने इंग्लिश में भी यहाँ पे दी हुई है। ये भी दोनों की दोनों पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। आप पीडीएफ में इनको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आपको हम करवाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने हाईलाइट की हुई है, ये पीडीएफ आप देख सकते हैं कितने पेजों के, 16 पेज की पीडीएफ है। बट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने हाईलाइट यहाँ पे की हुई है, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिससे आपको पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये पीडीएफ आपको किस तरह से मिलेगी। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारी वेबसाइट ntugcnet.co.in इस वेबसाइट पे जाना है। हाँ, ये वेबसाइट आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ntugcnet.co.in वेबसाइट है दोस्तों। इस पर आपको जाना, आप गूगल में सर्च कर लेना, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। और यहाँ पे आप ये देखिए, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नोट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो दोनों के दोनों पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत नोट्स है बिल्कुल फ्री में दिए हुए हैं, जैसे यूजीसी नेट करंट अफेयर 2021 पीडीएफ यहाँ पे, मैराथन क्लास यहाँ पे दी हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नोट्स है यहाँ पे, करंट अफेयर पीपल एंड एनवायरमेंट के, टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको फ्री में मिलने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पेपर सेकंड भी यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। ये देखिए, आपका पेपर सेकंड चाहे कोई भी हो उसका आपको फ्री में कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इसे देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री में इसको आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं और इसमें देखते हैं कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पीडीएफ है काफ़ी 16 पेज की है, बट हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही हम देखते हैं। आप इसे डिटेल में भी पढ़ना चाहो तो इसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा वायुमंडलीय प्रदूषण है और इसके अंदर दोस्तों एक हमारा जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है लेयर से रिलेटेड, हमारा क्वेश्चन आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जैसे एक क्वेश्चन है, मनुष्य तथा अन्य प्राणी रहते हमारे वायुमंडल में को सौभ मंडल कहते हैं। जहाँ पे हमारे मनुष्य और प्राणी रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सौभ मंडल कहते हैं। यह समुद्र तल से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसके ऊपर 10 से 50 किलोमीटर समताप मंडल कहते हैं। सौभ मंडल धूल कणों से युक्त क्षेत्र है जिसमें वायु अधिकांश जल वाष्प तथा बादल उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें से एक हमारा क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप डिटेल में इसे पढ़ना चाहें तो आप दोस्तों स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और हमारा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, जैसे 95% भाप को समताप मंडल में उपस्थित ओजोन पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है। ठीक है, ये मतलब काफ़ी डिटेल यहाँ पे दी गई है, अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ हाईलाइट करूँगा जो हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर पूछी गई है पहले और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, अच्छा आगे हम बात करते हैं सल्फर के ऑक्साइड। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों पहले एग्जाम के अंदर। देखिए, गैसीय वायु प्रदूषक कौन कौन से, ये सल्फर, नाइट्रोजन तथा कार्बन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन, ओजोन तथा अन्य ऑक्सीकारक है। और कणीय जो प्रदूषक है वो कौन कौन से, ये धूल, धूम्र, कोहरा, फुहारा और धुआं इत्यादि है। ठीक है, अच्छा साथ में आपको ये भी बता देता हूँ, यही सेम टू सेम हमारे इंग्लिश में भी है दोस्तों ये टॉपिक हमारा। ये देखो, एटमॉस्फेयर पोल्यूशन यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ट्रेटोस्फेयर की हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे है दोस्तों। ये देखो, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सेम टू सेम यही चीज़ें आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी। जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल ईजिली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सल्फर के ऑक्साइड, इससे हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में अगर आपको याद हो तो। देखिए, जीवाश्म के दहन के परिणाम स्वरूप सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है कि जीवाश्म के दहन से क्या उत्पन्न होता है, ऐसा हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और इससे हमारे क्या क्या बीमारियाँ होती हैं वो हम देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म सांद्रता मनुष्य में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से, श्वसन रोग यानी कि सांस से रिलेटेड जो रोग है वो होते हैं, अस्थमा, श्वसन शोध, ये यहाँ पे इंग्लिश में आप इसे देख सकते हैं, एम्फाइसीमा,
आदि इत्यादि रोग इससे होते हैं। सल्फर ऑक्साइड के कारण आंखों में जलन होती है जिससे आंखें लाल हो जाती तथा आंसू आने लगते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोग दिए गए हैं जो हमारे होते हैं, और इनमें से आपने देखा होगा, अगर आपने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर किए तो आपको डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे और कई दोस्तों को तो याद होगा जी। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO होता है इसका फॉर्मूला, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं, ये कहाँ कहाँ से हमारा आता है। यातायात तथा सघन स्थानों पर उत्पन्न तीक्ष्ण लाल धूम्र नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। ये मेन इसका सोर्स क्या है दोस्तों, यातायात इसका मेन सोर्स है। अच्छा, ये आपने अगर देखा हो तो ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ 2016-17 में क्वेश्चन आया था कि जो यातायात के कारण कौन सा हमारा प्रदूषण होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फेफड़ों में उत्तेजना उत्पन्न करता है जिससे बच्चों में प्रचंड श्वसन रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के बने होते हैं। स्वचालित वाहनों में ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यानी कि जो अच्छे से जल नाश के, तो उस वजह से उत्पन्न होते हैं। अधिकांश हाइड्रोकार्बन कैंसर जन्य होते हैं, यानी कि इनसे कैंसर रोग उत्पन्न होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है दोस्तों यहाँ पे, और मैं आपको दोस्तों पूरी डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं आपको जल्दी जल्दी क्विक रिविजन करवा रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने आपको बताया ही है, आप हमारी वेबसाइट ntaugcnet.co.in से ये डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कार्बन के ऑक्साइड। कार्बन के ऑक्साइड से क्या होता है, श्वसनीय प्रणाली प्राणियों के लिए ये हानिकारक है। ये क्या है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड गंभीर वायु प्रदूषकों में से एक है। यह रंगहीन तथा गंधहीन है। यह श्वसनीय प्राणियों के लिए हानिकारक है। कार्बन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। सर्वाधिक मात्रा कहाँ मिलती है इसकी, मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं से ही उत्पन्न होती है। कोयला, ईंधन, लकड़ी, पेट्रोल का अपूर्ण दहन, उससे भी ये हमारी होती है। इसके साथ साथ दोस्तों आगे भी चीज़ें आप देख सकते हैं इसके अंदर। यह हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को अपेक्षा अधिक प्रबलता से संयुक्त हो जाती है तथा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके कारण क्या होता है, हमारा सिर दर्द, नेत्र दृष्टि की क्षीणता और तंत्रिकीय आवेग में न्यूनता, तो ये इससे रोग उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे गर्भवती महिलाओं में रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काल पूर्व जन्म, ये काफ़ी सारी चीज़ें दी गई दोस्तों। अगर आप इनको देखना चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। इसमें से वैसे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। आगे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊपर हमने क्या पढ़ा था, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड का मतलब होता है इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा एक होती है, ऑक्सीजन का अणु एक होता है, CO इसका फॉर्मूला होता है। डाइऑक्साइड मतलब इसमें दो अणु होते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है जी, चलिए। श्वसन जीवाश्म ईंधन का दहन, सीमेंट निर्माण में काम आने वाले चूना पत्थर आदि से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित तो होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती है जी। जीवाश्म ईंधन के अधिक प्रयोग से वायुमंडल में इसका बहुत ज्यादा निर्माण होता है। और देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है, और इससे क्या है कि अधिक दहन के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तथा पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की यही बढ़ी हुई मात्रा भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इससे क्या है कि हमारा जो एनवायरनमेंट का तापमान है वो बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे ग्लेशियर वगैरह पिघलने लग जाते हैं जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, भूमंडलीय ताप वृद्धि एवं हरित गृह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे रिलेटेड हमारे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं जी। देखो, सौर ऊर्जा का 75% भाग पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है जिससे ताप में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पृथ्वी पे धूप आती है वो क्या है कि काफी मात्रा में वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ठीक है, अवशोषित कर लिया जाता है जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है।
शेष ऊष्मा वायुमंडल में पुनः विकिरणित हो जाती है, यानी कि वापस चली जाती है। ऊष्मा का कुछ भाग वायुमंडल में उपस्थित गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक तथा जल वाष्प द्वारा प्रग्रहित कर लिया जाता है, जिससे वायुमंडल के ताप में वृद्धि होती है। यही भूमंडलीय ताप वृद्धि का कारण है। ठीक है, और ये चीज़ें दोस्तों हमने पहले भी पढ़ी हुई है काफ़ी छोटी क्लासों के अंदर। और देखो ये एक और वजह से क्या होता है, जैसे पॉली हाउस वगैरह लगाते हैं खेतों के अंदर, वो क्या करते हैं कि पॉली हाउस आपने देखे होंगे कि छतरी नुमा पॉली हाउस होते हैं, उसमें हम अपनी मनचाही फसलें उगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि सूर्य की किरणें आती हैं तो वापस वो वायुमंडल में नहीं जा पाती, तो इस वजह से काफ़ी हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे हम कहते हैं। जी, इसमें देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। भूमंडलीय ताप वृद्धि में कार्बन डाइऑक्साइड का विशिष्ट योगदान है, सबसे ज़्यादा योगदान इसी का है। जी, कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है वो हम देखते हैं। मीथेन हो गया, CH4, जल वाष्प वेपर हो गए हमारे, और नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा ओजोन है। ये आप देख लीजिए दोस्तों, इसमें से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में पहले कि ग्रीन हाउस गैसेज निम्नलिखित में से कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो CH4 है मीथेन, जल वाष्प नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा ओजोन ये है हमारी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वनस्पतियों को जलाया जाता है, पचाया अथवा सड़ाया जाता है, तब मीथेन गैस उत्पन्न होती है। धान के क्षेत्रों, कोयलों की खदानों, दलदली क्षेत्रों तथा जीवाश्म ईंधनों द्वारा अधिक मात्रा में मीथेन उत्पन्न होती है। ये देखो, ये भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि जो मीथेन है, मीथेन कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती है, हमारी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। जी, क्लोरोफ्लोरो मनुष्य द्वारा निर्मित रसायन है जो वायु प्रसित आदि में काम आता है। इसका मतलब पता है क्या है, ये रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है, रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर हमारी AC वगैरह हो गई, ठीक है, तो उनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का काफी उपयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। जी, नाइट्रस ऑक्साइड वातावरण में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। ये देखिए, ये यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपने देखा हो तो एक क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम के अंदर कि ऐसी कौन सी गैस है जो हमारी प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे एक ये देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है। ऐसा हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी गैस है जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है। तो ये N2O दोस्तों, ये कृत्रिम रूप से उत्पन्न नहीं होती, प्राकृतिक रूप से ही उत्पन्न होती है। जी, आगे हम देखते हैं, इसमें भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण बहुत से संक्रामक रोग होते हैं, जैसे क्या होते हैं, डेंगू, मलेरिया, पित्त ज्वर, निद्रा रोग आदि होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज आ रही है, भूमंडलीय ताप यानी कि तापमान में वृद्धि होने के कारण डेंगू होता है, मलेरिया होता है। लेकिन हम क्या सोचेंगे यार, डेंगू मलेरिया तो पानी की वजह से होता है, गंदे पानी की वजह से होता है। हाँ, होता है, गंदे पानी की वजह से भी हो सकता है, बट यहाँ पे देखिए भूमंडलीय ताप की वृद्धि से भी ये हो सकता है। तो इस तरह से हमें कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो छोटी छोटी चीजें, इन पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे दोस्तों, अम्ल वर्षा एसिड रेन है, एसिड रेन से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, इसमें देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब वर्षा की सांद्रता कितनी, pH 5.6 से कम हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा उसे हम कहते हैं। जी, और इसमें देखते हैं दोस्तों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और वैसे तो इसमें मैंने सभी चीज़ें हाईलाइट की हुई है, आप ये देख लेना। जी, अम्ल वर्षा वातावरण में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड द्वारा निर्मित होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा एग्जाम में आया हुआ है। अम्ल वर्षा किस किस वजह से होती है, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड द्वारा ये बनती है, ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आया था। जैसे पूर्व में बताया जा चुका है, जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, शक्ति संयंत्रों, भट्टियों तथा मोटर इंजनों में डीजल और पेट्रोल, जिसमें सल्फर तथा नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं, के दहन पर सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है। ठीक है, ये इसके ओरिजिन बताया, कहाँ कहाँ से ओरिजिन होते, कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती है, ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। भैया, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, शायद कई दोस्त को नहीं पता होगा, उन्होंने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं किए, लेकिन जिन्होंने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर किए उनको पता है किस तरह से इसमें से क्वेश्चन हमारे आए हैं। अच्छा, आगे जो हमारा एक और क्वेश्चन आया काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, ताजमहल और अम्ल वर्षा का काफ़ी
संबंध है। देखो, आगरा शहर में सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से जो क्या है कि जो ताजमहल है वो खराब हो गया है। यह इस क्षेत्र के चारों ओर अधिक मात्रा में शक्ति संयंत्र और उद्योग के कारण है। ठीक है, जो ताजमहल है, ताजमहल के चारों ओर क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड काफी मात्रा में है। घरेलू कार्यों में ईंधन के रूप में न्यून गुणवत्ता वाला कोयला, कैरोसिन तथा लकड़ी का उपयोग करने से यह समस्या बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप अमल वर्षा के कारण संगमरमर से क्रिया करती है। और इससे क्या हुआ दोस्तों, जो संगमरमर है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गया है ताजमहल का। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है कि जो संगमरमर है हमारा आगरा का, वो किस वजह से खराब हुआ है। तो ये है सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से खराब हुआ है। जी, आगे दोस्तों हमारे ये कणिकीय प्रदूषक, वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण यानी कि छोटे छोटे कण हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो दिवाली आने वाली है। ठीक है, तो दिवाली पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा धुआं हो जाएगा, धूम कोहरा हो जाएगा। ठीक है, तो वो छोटे छोटे कण हैं, उससे हमारे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये किस वजह से होता है, ये मोटर वाहनों के उत्सर्जन से, और जब हम पटाखे वगैरह जलाते हैं उससे भी होता है, और चिमनियाँ कारखाने होंगे उनसे भी होता है। ठीक है, अग्नि के धूल कण तथा उद्योगों की राख से ये होता है। इससे क्या होता है दोस्तों, मनुष्य में एलर्जी हो सकती है, और भी काफ़ी तरह के इसमें रोग है वो हमारे हो सकते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा, आगे हमने लिस्ट बना रखी है, उसमें आपको पता चल जाएगा। चलो आगे हम देखते हैं, वाहनों द्वारा उत्सर्जित लेड एक मुख्य वायु प्रदूषक है। जी, और इससे क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाओं के विकसित एवं परिपक्व होने में लेड बाधा उत्पन्न करता है। लेड पीवी से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, अगर आपको याद हो तो। जी चलो, स्मोग, धूम कोहरा, धूम कोहरा धूम कोहरे एवं सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण है। धूम कोहरा वो क्या है, धूम कोहरे एवं सल्फर डाइऑक्साइड का ये मिश्रण है। जी आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के प्रभाव, इससे क्या होता है, ओजोन एवं नाइट्रिक ऑक्साइड नाक एवं गले में जलन पैदा करते हैं। इसकी उच्च सांद्रता से सर दर्द, छाती में दर्द, गले का शुष्क होना, खांसी एवं श्वास अवरोध हो सकता है। तो काफ़ी तरह की दिक्कतें यहाँ पे हो सकती हैं। और इसमें मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, हमारे यहाँ पे 16 पेज है, 16 पेज में काफ़ी तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और अगर आप चाहें तो ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं दोस्तों। ओजोन परत में अवक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, जिन्हें फ्रियोन भी कहा जाता है। और ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन आया है दोस्तों, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर, आपको याद होगा। तो CFC कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन में तथा प्लास्टिक फोम के निर्माण में, कंप्यूटर उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन आया है एग्जाम में। और ये जो PDF है ना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF है दोस्तों। इसमें से अगर आप अच्छे से एनालिसिस करोगे तो कम से कम बता रहा हूँ मैं, 20 से 25 क्वेश्चन इस एक PDF से आए हुए हैं। ठीक है जी, और भी कई चीज़ें यहाँ पे देखना चाहो तो आप देख सकते हैं। जल प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जो घरेलू सीवरेज है उससे होता है हमारा। ठीक है, और कार्बन अपशिष्ट है ये। अच्छा, ये देखो, ये आ गया हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट, मुख्य जल प्रदूषक क्या है, प्रदूषक क्या है, सूक्ष्म जीव, और स्रोत क्या इसका, घरेलू सीवेज है। अच्छा, इसमें से हमारा क्वेश्चन नहीं आया, इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, मैं जो क्वेश्चन आया है वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। लेड, देखो, जल परिवहन के लिए लेड पाइपों का उपयोग किया जाता है, इससे किडनी, लीवर एवं पुनरुत्पादक तंत्र को हानि पहुंचा सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और हाँ, ये रहा भैया, ये क्वेश्चन आया है आपको, अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन आया था हमारा, शायद 2018 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, नाइट्रिस आधिक्य में होने पर ये ब्लू वेबी सिंड्रोम रोग होता है। ये ब्लू वेबी सिंड्रोम रोग ये हमारा पानी की वजह से होता है। ठीक है, गंदे पानी की वजह। ये देखो, जल के अंतर्राष्ट्रीय मानकी, यहाँ पे जल की बात हो रही है, तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पानी की वजह से होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर था। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर, और मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे दोस्तों मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं।
तो दोस्तों ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री में मिल रही है, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे करवा दी है, और ये चीज़ें आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी मिल जाएगी। तो जो दोस्त इंग्लिश में पढ़ना चाहे वो इंग्लिश में पढ़ सकता है और हिंदी में भी पढ़ सकता है। और लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ पे NTAUGCNET.co.in वेबसाइट पर आना है, और यहाँ पर आपको पहले पेज पर ही होम पेज पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नोट्स, और यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के नोट्स, यानी कि बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, बिल्कुल फ्री में आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमारा ऑफर चल रहा है, अभी वो ऑफर मैं दिखा देता हूँ दोस्तों ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। जैसे अभी हमारा दशहरा आ रहा है, तो दशहरे पे हमने ऑफर निकाला है 300 रुपये के अंदर, केवल 300 रुपये के अंदर दोस्तों आप 6 महीने का कोर्स ले सकते हैं NTAUGCNET पेपर फर्स्ट का, ये जो कोर्स है ले सकते हैं 6 महीने के लिए दोस्तों, 6 महीने के लिए केवल 300 रुपये की ये फीस है। और इसमें आपको बहुत कुछ इसमें आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, 2012 से 20 तक ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, रिसर्च के अलग, टीचिंग के अलग, कम्युनिकेशन के अलग, सभी के सब टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन अलग अलग दिए जाएंगे। तो इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।